अब बीसीसीआई एक बहुत बड़ा फैसला सुनाएगी, इस नियम को आईपीएल से हटाएगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। एक बहुत बड़ा फैसला आईपीएल 2025 से पहले होने वाला है। आईपीएल 2025 से पहले वैसे तो कई सारी बातों को लेकर खलबली मची हुई है। बीसीसीआई की आईपीएल की टीमों के मालिकों के साथ बैठक भी हुई है। बीसीसीआई ने उस बैठक में कई सारी चीजों को सुना भी है। कई सारी टीमें जो है वो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, कुछ टीमें जो है वो मतलब रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों को लेकर जो है वो फंसी हुई है कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए। कुछ टीमों का मानना है 4 से ज्यादा होने चाहिए, कुछ टीमों का मानना है कि 4 बहुत है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिसको लेकर इस वक्त खलबली है। लेकिन अब आईपीएल 2025 से पहले बड़ी खबर है कि भाई साहब इंपैक्ट नियम खत्म हो जाएगा। जो इंपैक्ट रूल आप लोग देखते थे ना, जिस इंपैक्ट रूल के तहत मतलब कभी कोई गेंदबाज आ जाता था, कभी कोई बल्लेबाज आ जाता था, इस नियम को खत्म करने की तैयारी अब शुरू हो गई है। इसे लेकर जय शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे थे कि भाई साहब अब यह नियम खत्म हो जाएगा। अब जय शाह ने इस नियम को लेकर क्या कहा है यह एक बार जान लीजिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे इस नियम के कितने फायदे और कितने नुकसान। दरअसल हाल ही में जय शाह ने कहा कि हमारी फ्रेंचाइजियों के मालिकों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें इंपैक्ट प्लेयर नियम पर गहराई से चर्चा हुई थी। इस नियम के फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसका नुकसान यह है कि ऑलराउंडर की भूमिका को सीमित कर देता है। यह सवाल भी खड़ा हुआ था कि ऑलराउंडर की भूमिका को खत्म कर देता है इंपैक्ट नियम। हालांकि इसका सकारात्मक पहलू यह है कि यह भारतीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर इस पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक प्रशासक के तौर पर मेरे लिए खेल सबसे महत्वपूर्ण है। हम जल्दी इस पर फैसला लेंगे, ये जय शाह ने कहा है इंपैक्ट नियम के तौर पर, जाहिर तौर पर। देखिए, अब इंपैक्ट नियम का नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि जो अच्छे ऑलराउंडर हैं उनकी कीमत खत्म हो गई है, क्योंकि अब इंपैक्ट नियम के तौर पर कभी बल्लेबाज ले लिए जाते हैं, कभी गेंदबाज ले लिए जाते हैं, ऑलराउंडर की तो पूरी कीमत खत्म हो गई है। अब जैसे आप सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होता है, पंजाब ने पिछले बार शशांक सिंह को इस्तेमाल किया था और बहुत अच्छी बल्लेबाजी शशांक सिंह ने कई मौकों पर की थी। उनको केवल बल्लेबाज के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता था, प्लेइंग 11 में एक गेंदबाज एक्स्ट्रा रख लिया जाता था, ये फायदा होता था। केकेआर को फायदा हुआ, वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल कर लेती थी केकेआर बल्लेबाज के तौर पर। तो इस तरीके से कई सारी टीमों को इंपैक्ट नियम का बड़ा फायदा हुआ था। आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लीजिए, सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा फायदा हुआ था, ट्रेविस हेड का इस्तेमाल वो कर लिया करते थे, अभिषेक शर्मा का इस्तेमाल उन्होंने इंपैक्ट नियम के तौर पर कई मैचों में किया था। तो ऐसे में कई सारी टीमों को इंपैक्ट नियम का बड़ा फायदा हुआ था। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या बीसीसीआई इसको खत्म करेगी, क्योंकि कई सारी टीमों ने इस पर शिकायत की है। कई सारी टीमों का कहना है कि इंपैक्ट नियम जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, इससे ऑलराउंडर्स की भूमिका कम हो जाती है या फिर ऑलराउंडर्स की भूमिका खत्म ही हो जाती है, ऑलराउंडर्स के करियर पर खतरा है ये इंपैक्ट नियम। यह कई सारी टीमों ने शिकायत की थी, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि आईपीएल 2025 में इस नियम के बारे में बीसीसीआई सोचेगी और इस नियम को खत्म कर सकती है। वैसे बीसीसीआई का कहना भी है, जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसा का कहना है कि इसका सकारात्मक पहलू भी है कि कई सारे नौजवान खिलाड़ियों को मौका भी मिल जाता है, वरना उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा नहीं। कम से कम इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, उसे एक मौका तो मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, तो यह भी एक इसका सकारात्मक पहलू है। लेकिन नेगेटिव यह है कि ऑलराउंडर्स की भूमिका बिल्कुल खत्म हो रही है, अब ऑलराउंडर्स बनेंगे ही नहीं, यह भी तो एक नुकसान है ना। अगर इंपैक्ट नियम होगा तो आपके जमीन स्तर पर ऑलराउंडर कैसे बनेंगे? बड़ा मंच होता है आईपीएल, यहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, लेकिन यहां पर ऑलराउंडर्स की कमी हो मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब इंपैक्ट नियम होगा। तो ये सवाल है, आपका इस नियम को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में इंपैक्ट नियम अब खत्म कर देना चाहिए, इससे नुकसान है? कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आईपीएल 2025 की लगातार अपडेट मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।